अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। आज हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अब पहला दिया हमारे पास है ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं कि हमारे पास ना ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कह सकते हैं दो नंबर होंगे, दो डिजिट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आपका एक्स और वाई लिखा हुआ है, इनको हम छोटी ब्रैकेट के अंदर कह सकते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर एक्स एंड वाई इज अ पेयर एक्स वाई इन विच एलिमेंट आर रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब इसके हमारे यहाँ कंडीशन क्या है कि एक्स पहले क्या है, एक्स और वाई। अब पहला जो एलिमेंट होगा जो भी है वो आप एक्स को नोट करता है, सेकेंड आपका एलिमेंट है वो वाई को नोट करता है। उसके बाद अगर ऐसा लिखा जाए कि 2, 3 एंड 3, 2, ये दो आपके डिफरेंट या ऑर्डर पेयर है। क्यों? कि यहाँ एक्स आपका 2 है, यहाँ एक्स आपका 3 है, यहाँ आपका वाई 3 है, यहाँ आपका वाई 2 है, तो आप कह सकते हैं कि ये अलग अलग कह सकते हैं आपके ऑर्डर पेयर है। उसके बाद एक्स वाई इक्वल टू, अगर एम एन, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट की कौन होगा, सेकेंड वाला सेकेंड के, तो आएगा इसको भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एम एंड वाई इक्वल टू एन। उसके बाद है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है, इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। अब इसे हम करते क्या है कि हम कह सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन ड्रॉ की हमें परपेंडिकुलर एंगल वाली, इन दोनों के दरमियान एंगल आपका 90 बनता है, ठीक है। द लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, का बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। द पॉइंट वेयर द पॉइंट टू लाइंस मीट इज कॉल्ड ऑरिजिन। कह रहे हैं जहां पे आपके ना एक्स और एक्स डैश वाई और वाई डैश मीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये आपका ऑरिजिन है, ठीक है। दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हम एक्स एक्स एक्सिस और वाई एंड वाई डैश एक्स एंड एक्स डैश ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब कह रहे हैं इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश, जैसे ये दिया हमारे, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। जो हमारे पास एक्स ओ एक्स ओ एंड एक्स डैश, इसको हम बोलेंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको हम बोलते हैं हमारे पास आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे आप ये देख रहे हैं हमारे पास कौन कौन से कह सकते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हमें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और वाई की क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ हमारे पास ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अब सेकंड में क्या है, एक्स लेस देन 0 यानी आपकी वैल्यू 0 से कम है, वो नेगेटिव होगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, वाई हमारे पास पॉजिटिव है। अब थर्ड में क्या है, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई भी आपका लेस देन 0, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। अब फोर्थ में क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई लेस देन 0 वाई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। अब ये जो आपके डेफिनेशन है इनको आपने घर में याद करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।